तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं एक एक छोटे से छोटा फर्क आपको बताने वाला हूँ कि इंडक्शन में और जो गैस स्टोव होता है उसमें क्या फर्क होता है और इंडक्शन बेहतर है या गैस स्टोव बेहतर है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि बेहतर क्या है, वो आपने मेरे वीडियो को देख के पता लगाना है कि बेहतर कौन सा है और कौन सा आपको लेना चाहिए या फिर आपको दोनों साथ में रखना चाहिए। मैंने दोनों साथ में रखे हुए हैं। ये आ रखा है, देखिए अमेजोन से मंगाया है मैंने। हालांकि इससे पहले मैंने एक मंगाया था, वो 1.5 साल के बाद खराब हो गया। उसके बाद में ये वो इंश्योरेंस में था तो उन्होंने इसके बदले में रिप्लेसमेंट दिया है और जो प्राइस का डिफरेंस था वो उन्होंने मुझसे लिया था। और ये हमारा है, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और हम खोलेंगे। ये हमने खोल दिया, इसके अंदर हम देखेंगे अभी क्या आ रहा है। ये देखिए, ये फिलिप्स का इंडक्शन है और इसका अगर हम मॉडल देखेंगे, ये इसके अंदर इसका ये इनवॉइस भी है, बिल यानी कि बिल। और ये इंडक्शन का, सॉरी फिलिप्स का इंडक्शन है। और इसकी अगर मैं आपको बताऊं जो MRP है वो 5595 की है, यानी कि 5595, 5,500 रुपए का। लेकिन ये मेरे को उस कॉस्ट में नहीं पड़ा, मेरे को ये करीब करीब पड़ा है 38-39 का। इसमें खोलेंगे, इसमें बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, जॉयफुल एफर्टलेस कुकिंग। इसमें मतलब कुछ कुछ बातें सही है लेकिन पूरा भी सही नहीं है। इंडियन कुकिंग मेड इजी विथ फुल ग्लास पैनल एंड प्रीसेट मेन्यूज। बाकी सारे मेन्यूज हैं और वो क्या मेन्यूज है वो इंडक्शन दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा बाकी सब चीजें वही है कि 10 प्रीसेट मेन्यू, 10 लोअर पैनल्स, 2100 वॉट का इसका जो पावर कंज्यूमिंग बचती है मैक्सिमम, यानी कि वो 2100 वॉट है और जो मिनिमम है वो आपका 120 वॉट है। 120 वॉट जो है वो मिनिमम मिलेगा। ये हम खोलते हैं इसको आपके सामने। ये अब आ गया इंडक्शन। ये इंडक्शन है, इसकी कॉर्ड है, ये करीब करीब होगी 1.2 मीटर की है जो उन्होंने उसमें दिया था। तो ये है इंडक्शन हमारा, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है वो आपको नज़दीक से अभी मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो इसकी पावर कॉर्ड है वो 1.2 मीटर की है, 1.2 मीटर लेंथ की है। और इसमें ये जो दो वारंटी कार्ड्स है, एक ये इसका यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड नहीं है, यूज़र मैनुअल है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये, लेकिन शायद ही कोई पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा इसमें क्या क्या है, मतलब कौन कौन से इसमें। हाँ, एक चीज़ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि इसमें कोई भी मेटल का नहीं चलेगा, इसमें वो मेटल चलेगा जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, जो लोहे के बर्तन का बना हुआ होगा या फिर स्टील का होगा जिसमें आयरन का होगा। अगर सोचें आप एल्युमिनियम के फ्राइंग पैन या फिर किसी और एल्युमिनियम के उसमें करेंगे तो नहीं हो पाएगा, किसी ग्लास में नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल का जिसमें लोहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिर्फ लोहे में होती है और किसी में नहीं होती हैं, आपको पता है। और ये इसका है वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड दिखा देता हूँ आपको मैं। वारंटी कार्ड में ये है, इसमें डू नॉट कवर विद एयर आउटलेट्स वगैरह ऐसे वैसे करके। इसमें जो बाकी चीज़ें इसका सही है, बाहर इसका जो इसमें गर्मी होती है तो फैन चलता है, और जब फैन चलता है तो इसको हमको बंद नहीं करना और उसको पानी में कभी नहीं डुबाना, पानी में डुबा के साफ़ नहीं करना। जब भी क्लीन करना है ऊपर से अच्छे से गीले कपड़े साफ़ कर दे, आपका फिर से नया जैसा हो जाएगा। और जो ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है बीच में गोल वाला, यहाँ पर नीचे कॉयल होती है इसमें जो कि गर्म होती है, इंडक्ट करती है मेटल के साथ में, तभी गर्म होता है। इसमें जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होती है, जैसे कि गैस में हमारी जो यूनिफॉर्म हीटिंग होती है कि नीचे से लौ जल रही है और ऊपर जो हमारा पूरा बर्तन है वो हीट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट पर होता है। लेकिन वो जो इंडक्शन का जो यूटेंसिल होता है, जो बर्तन होता है उसका जो बेस होता है मोटा होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हीट है हमको यूनिफॉर्म लगती है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल स्टील के बर्तन में इसको रखेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि उस जगह पे आपको जले हुए के निशान मिल रहे हैं, या फिर आपका दूध है तो दूध की जो कोटिंग है वहाँ पे आपको चिपकी हुई मिल जाएगी, खाली उस गोल गोल में, क्योंकि पूरा ये नहीं करता, सिर्फ जो ये तीन है ये इन तीनों में इसकी होती है, इसके अंदर अंदर
हीटिंग होती है ये इंडक्शन कॉयल इसके अंदर है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या फंक्शन है वो आपको दिखाऊँगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसमें और जो हमारा गैस स्टोव है क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कि बेहतर कौन सा, क्योंकि मैं बायस इसमें कहलाऊंगा कि हाँ भी अगर मैंने बोल दिया कि इंडक्शन बेहतर है या फिर गैस स्टोव बेहतर है। तो चलते हैं अपने फर्दर वीडियो की तरफ जिसमें आपको मैं इसको चला कर दिखाऊँगा। तो ये आपके सामने इंडक्शन आ गया है, इसमें देखिए आप ये केबल है इसकी, ये इसमें जो रेटेड करंट है वो है 10 एम्पियर और जो इसमें सॉकेट रिकमेंडेड है वो 16 एम्पियर का रहता है। तो ये 16 एम्पियर का है, इसको हम ऑन करेंगे, ये हमने लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये ऑन करा और 16 एम्पियर का है। और उसके बाद हम दोबारा अपने इंडक्शन को फोकस करेंगे। देखिए आप जो ब्लू कलर की आपको लाइट इसमें दिख रही होगी कुछ, वो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये सामने से यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये देखिए ये जो टेप है, सॉरी जो लाइट है, ये कंफ्यूज कर रही है, तो इसको हम अभी टेप से बंद कर देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूज ना करे। तो देखिए जैसे हमने इसके ऊपर टेप लगाई और नीचे हमारा उसका रिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। तो बात करते हैं इसके, हम उसको ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन करेंगे, सबसे पहले इसमें बीप का साइन आएगा और सारी LED एक बार चलेंगी, देख सकते हैं आप। दोबारा एक बार आपको ऑन ऑफ़ करके दिखाता हूँ, ये मैंने ऑफ़ कर दिया और ये ऑन करेंगे, सारी LED दिखाएंगे हाँ चल रही करके कि काम कर रही हैं। उसके बाद में पावर का बटन है, पावर को जैसे हम ऑन करेंगे तो सारे जो ये बटन एक्टिव हो जाएंगे। ये देखिए मैनुअल, ग्रेवी, रोटी, मिल्क, वाटर, स्लो कुक, स्टर फ्राई, डीप फ्राई, प्रेशर कुक। तो ये इन्होंने अपने हिसाब अपने टेस्ट कंडीशंस के हिसाब से रखा है। और ये जो बीप का साउंड आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं है, अगर इसके ऊपर हाथ रख दूंगा मैं, मेरा हाथ बिल्कुल सेफ है, लेकिन जब खाना पक जाएगा उसके बाद ही ठंडा नहीं रहता, गर्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना कि गर्म होगा। अभी मेरा हाथ रहेगा तब भी कुछ नहीं होगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर बर्तन रखूँगा ये बंद हो जाएगा इसका, ये देखिए इसका साउंड आना बंद हो गया। जैसे हटाऊँगा ये फिर से साउंड आना शुरू हो जाएगा इसका कि इसके ऊपर से बर्तन हट गया है। और थोड़ी देर के बाद में ये अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा कि अगर इसको एक मिनट तक इसके ऊपर बर्तन नहीं मिला तो ये बंद हो जाएगा। इससे पहले आपको बता चुका हूँ इसके ऊपर एल्युमिनियम के जो है यूटेंसिल काम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये वाला जो बर्तन है, ये जो इसका बेस है वो एल्युमिनियम का है, ये देखिए ये चलता रहेगा उछता रहेगा क्योंकि ये इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और ये गर्म भी नहीं होगा। वहीं पर अगर इसकी जगह दूसरा कोई स्टील का मैं रखता हूँ तो उसको ये सेंस करेगा और ये जो इसका काम करना है वो पी करना बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया, नॉर्मल शुरू हो गया काम करना। जैसे इसको हटाऊँगा ये फिर से बीप करना शुरू कर गया। और ये एक मिनट के बाद में जो ये अभी ऑन है सिस्टम, ये ऑफ हो जाएगा। इसमें अगर आपको लगता है कि चाइल्ड लॉक लगाना है तो आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, ये चाइल्ड लॉक आप लगा दिया। इसके बाद में जो कोई भी बटन है इसके ऊपर काम नहीं करेगा, सिर्फ एक बटन काम करेगा और वो है पावर का, पावर ऑफ हो गया हमारा। और उसके बाद में हमारा ऑन करेंगे दोबारा, फिर से हमको लगाना पड़ेगा। खाली चाइल्ड लॉक में सिर्फ एक ये वाला काम है। वहीं पर अगर मान लीजिए आपने कुछ बर्तन रखा हुआ है सब्जी बनाने के लिए, तो ये हमने रखी सब्जी और ये हमने इसको पॉज कर दिया, तो हम इसको पॉज कर देंगे, यानी कि उतनी देर तक हमारा जो खाना है वो नहीं पक रहा, फिर दोबारा हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उबल रहा है, चाय उबल रही है, बंद करना है कुछ करना, ऑन ऑफ की वजह से उसको हम पॉज और प्ले कर सकते हैं। प्ले तो नहीं मतलब पॉज को करेंगे और पॉज हमारा हट जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है, इंडक्शन में और इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखिए इसमें आपको कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं और जहाँ भी आप इसको ले जाएंगे वहाँ बिजली होनी चाहिए और आप अपना खाना पकाना शुरू कर सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैरी करने में मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिलेंडर भी ले जाना पड़ेगा, अगर दो की जगह अगर सिंगल बर्नर का भी अगर आपके उसमें गैस है या फिर कुक स्टोव है तो उसके लिए आपको एक गैस पाइप और सिलेंडर ले जाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे फिर चाहे वो बड़ा हो। उसके बाद में अगर इसको ऑन करना है, ये देखिए ये हमने ऑन करा, उसके लिए हमको लाइटर चाहिए या फिर हमको एक माचिस हमेशा होनी चाहिए कि हमको हमारे पास एक माचिस होनी चाहिए इसको जलाने के लिए। और ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ एक हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और
ये जैसे कि, और दूसरा मैं आपको बता दूँ इसमें कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फेलियर है बहुत रहता है हमारे कई एरियाज़ में, तो जहाँ पे आपकी लाइट गई तो फिर से रिसेट हो जाएगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको कितने बजे से आपने रखा था, कितना आपका खाना पक चुका है। वहीं पर गैस में आपको ये रहेगा कि आपको सिलेंडर ख़त्म होने पर ये बंद होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये कभी भी फेल हो सकता है, और ये जो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में कम फेल होगा, चांसेस इसके फेल होने के काफ़ी कम हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जैसे आपने दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, दूध उबाल करने के लिए आप रखेंगे या फिर कोई भी सब्जी या फिर खाना पकाने के लिए रखा है, तो आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे ये है तो इसमें आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने का मैनुअल, या फिर इसमें प्रीसेट में कर सकते हैं। प्रीसेट में आपको ये 2 घंटे 3 घंटे 24 घंटे तक जा सकता है। ये देखिए आप इसमें 24 घंटे तक खाना बना सकते हैं, यानी कि एक बार अगर ऑन कर दिया तो 24 घंटे ये चल जाएगा मैक्सिमम, फिर 10 मिनट बाद आ जाएगा। और वहीं टाइमर की बात करेंगे तो टाइमर आप इसको 1 मिनट से लेकर 3 घंटे का कर सकते हैं। प्रीसेट में ये 24 घंटे तक जाएगा 10 मिनट से, और टाइमर में 1 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का, ये आप 15 मिनट के लिए कर लेंगे या कितने मिनट के लिए जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर लेंगे, तो ये वो करेगा। और इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये फ़ैन है, ये अभी यहाँ आप तो फील हवा नहीं कर सकते, मैं फील इसकी हवा कर सकता हूँ, ये चलेगा और ये आवाज़ करेगा। जब गैस चलती है तो गैस में आवाज़ नहीं होती, और अगर LPG की बात करेंगे LPG बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, थोड़ा सा जो हमारे PNG है इसमें थोड़ी सी आवाज़ होती है, और जो ये इंडक्शन है, इंडक्शन में आप इसकी आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ आ रही है, और यहाँ से हवा सक कर रहा है और यहाँ से इस वाले पोर्शन से हवा बाहर निकाल रहा है। ये देखिए पी पी करके लास्ट में ये ऑफ हो गया, और अभी इसको जो उसका फ़ैन चल रहा है वो भी फ़ैन इसका चलना बंद हो जाएगा। और एक जो और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसमें खाना रखा हुआ है और वहाँ उस कमरे में आपके हवा चलती है, तो जैसे आप हवा चलाएंगे देखिए ये हमारा बुझ सकता है या फिर हमारी जो फ्लेम्स है कम होंगी। वहीं पर इसमें हवा को कोई असर नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, जितनी मर्जी आप इसके ऊपर फूंक मार लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें फ्लेम जो है वो डायरेक्ट नहीं आया, वो एक तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन होता है मेटल के बीच में और जो हमारी इंडक्शन कॉयल है उसके बीच में, तो इसके ऊपर हवा का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपका जो कमरा है उस पर हवा का फ़र्क पड़ेगा, अगर आप कमरे में रह रहे हैं और वहाँ पर फ़ैन चलता है तो इंडक्शन वहाँ पर बढ़िया एक सॉल्यूशन है, लेकिन जो गैस है वो गैस एक सॉल्यूशन नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कभी फेल हो सकता है, 1 साल की वारंटी के साथ में आता है, इसमें फेलियर के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है जिनका हमारा जो पॉइंट ऑफ फेलियर है वो ज़्यादा रहेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकते हैं हमारे, कभी इसके अंदर का फ्यूज़ ख़राब हो गया, फ़ैन ख़राब हो गया, जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ख़राब हो गया। जैसे आपको मैं यहाँ से अगर दिखा पाऊँ तो देखिए आप ये जो ये दिख रहा है अंदर, ये इसके इंडक्शन कॉयल है, ये इसके अंदर इंडक्शन कॉयल है, तो यही कॉयल ऊपर काम करती है जब हमारा ये ऑन होता है, और इसके ऊपर मेटल का कुछ होता है और भी सिर्फ जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये काम नहीं कर रहा था। और अगर मैं कुछ एल्युमिनियम का आपको दिखाऊं, जैसे कोई फ्राइंग पैन वगैरह है तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये एल्युमिनियम का है, इसको मैं ऑन करूँगा और रखूँगा तो ये पी पी करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा अगर पानी डाल दूँ और मैं आपको दिखाऊँ पानी डाल के, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि चाहे इसको मैं फुल कर दूँ, ये मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे चल रहा है इस वक्त 2100 वाट पर, 270 डिग्री सेल्सियस पे ये पीपी करता रहेगा। वहीं पर अगर जो मेटल का है वो रखूँगा, फिर आप देखिए ये मैंने रख दिया और ये आवाज़ आपने सुनी होगी आवाज़, और ये पीपी करना इसने बंद कर दिया। ये देखिए पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। आप एक चीज़ देखिए कि जहाँ जहाँ पर इंडक्शन कॉयल है हमारी, सिर्फ वहीं वहीं पर ये बबल्स बन रहे हैं, और वहीं पे अगर मैं इस कंडीशन के बाद अगर ये देखिए अब ये जैसे मैंने बर्तन हटाया तो हमारे काम करना शुरू हो गया। वहीं पर अगर अब मैं इसको हाथ लगाऊंगा, अब थोड़ा सा गर्म हो गया, लेकिन अगर ये ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेगा तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इससे खाना पकने के बाद में ये
गर्म हो जाता है और आपको उस पर हाथ नहीं लगाना। तो यही है छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जो डिफरेंसेस हैं इसमें। हालांकि मैं कोई डिफरेंस तो भूला नहीं हूँ, अगर फिर भी कोई डिफरेंस भूल गया हूँ तो वो आपको आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगा। मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई डिफरेंस इसमें छूटा है। अगर फिर भी अगर कोई डिफरेंस छूट गया तो आप कमेंट करके लिख बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव और जो आपके क्या कहते हैं टिप्स जो हैं होम अप्लायंसेज को लेकर मैं आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।